हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का चाची भतीजी पाकशाला में। तो आज हम बनाएंगे बनाना लीफ में स्टीम किया हुआ उपमा का बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप इस चाहे तो इसे किसी भी टाइम पे बना सकते हैं और सच में ये बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 खीरा ले लिया जिसे अच्छे से वॉश कर लिया और अब हम इसे छील लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटा वाला खीरा यूज किया है और अब मैंने यहाँ पे ये ग्रेटर ले लिया है और अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे ग्रेट भी कर लिया है और अब हमारा जो कुकुम्बर है वो बिल्कुल रेडी है। और अब मैंने यहाँ पे ग्राइंडर जार ले लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ले लिया जिसे अच्छे से वॉश कर लिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया 1 इंच अदरक जिसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और 3 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, और 1/2 टेबल स्पून जीरा। और अब हम इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा ये जो मिक्सचर है वो एकदम बन के रेडी है। और अब मैंने यहाँ पे सूजी ले लिया और सूजी को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रोस्ट कर लिया है। तो अगर आपने इसे नहीं भूना तो आप इसे पहले थोड़ा सा ऐसे बिना ऑयल के इसे भून ले जिससे इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी सूजी मैं ले रही हूँ, यहाँ पे एक कटोरी जो काफ़ी मतलब ज़्यादा ही बनेगा, इसमें कम से कम 3 लोग इसे खा सकते हैं। और अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ जो कुकुम्बर है वो इसमें डाल देंगे और जो ग्राइंड करके हमने ये धनिया पुदीने मिर्ची का जो पेस्ट हमने रखा था वो इसे इसमें डालेंगे। और अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप जितना बना रहे हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये खीरे के पानी से ये स्टीम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया एकदम मिक्स हो चुका है और अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन पे 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया और इसमें 1/2 टेबल स्पून सरसों, 1/2 टेबल स्पून उड़द दाल, 1/2 टेबल स्पून चना दाल ले लिया। और अब हम इसमें करी लीव्स डाल देंगे और हमारा तड़का तैयार है। तड़का को मैंने इसमें डाल दिया, वो वीडियो जो है थोड़ा सा स्किप हो गया, मैंने ऑन करना भूल गया थी कैमरा। और ये भी अच्छे से रेडी है। और यहाँ पे मैंने ये बनाना लीफ ले लिया है, आप देख सकते हैं। वैसे कल मैं जब घूमने गई थी तो एक घर पे मुझे बहुत सारा बनाना ट्रीज दिखा, तो वहाँ पे मैंने जाके एक अंकल से पूछा कि एक लीफ मिल सकता है क्या, तो उन्होंने ये मुझे बनाना लीफ दिया। इस वजह से ये वीडियो मैं बना पाई क्योंकि इस वीडियो को मैं जो है उपमा को बनाना लीफ में स्टीम करना चाह रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वो अंकल का। और इस तरीके से यहाँ पे हम मिक्सर को डाल लेंगे और बनाना लीफ को रैप कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया एकदम लग रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे टोटल 3 मैंने रोल बनाया है। और अब यहाँ पे मैंने एक गंजी ले लिया, उसमें पानी ले लिया जिसमें हम स्टीम करेंगे, और ये एक छन्नी ले लिया है। और अब हम इसमें एक एक करके ये तीनों बनाना लीफ को रखेंगे और इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे भाप में पकने देंगे। हाँ, ये स्टीम होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और अब यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं, ये एकदम स्टीम हो चुका है एकदम बढ़िया से। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ एक बार इस रैप को खोल के, आप देख सकते हैं। और वैसे ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना वैसे वैसे थोड़ा सा ये भुरभुरा होगा, अभी जो है थोड़ा सा गर्म होने की वजह से थोड़ा सा टाइट है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे एकदम सर्व करें एकदम बढ़िया। आप इसे किसी नारियल की चटनी के साथ या फिर इसे फली की चटनी के साथ इसे सर्व करें। तो यहाँ पे मैंने फली का चटनी बनाया हुआ था इसके साथ खाने के लिए। और अब हमारा बनाना लीफ में स्टीम किया हुआ उपमा जो बिल्कुल तैयार है। और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपकी ये रेसिपी कैसे बनी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।